पहला प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, सद इंडेंटिकल इलिमेंट्स जिसे हिंदी में सामान्य तत्व तो कहते हैं, निम्न में से गहन संबंध रखता है, किससे रखता है? ऑप्शन ए समान परीक्षा प्रश्न से, ऑप्शन बी सहयोगियों से, इससे ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण से, और ऑप्शन डी समूह निर्देश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम स्थानांतरण से, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चले आइए। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बता देता हूँ अपने बारे में कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों यह वीडियो टेट CDP मॉक टेस्ट बाल मनोविज्ञान का दोस्तों 30 टॉप 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि एग्जाम में आपसे बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन सरकारी मास्टर की तैयारी कर रहे हैं उनकी उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है दोस्तों। ठीक है, आने वाले टेट के एग्जाम में इस बार आपको 100+ करके सिलेक्शन लाना है। बस आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन आपका होके रहेगा, 100% गारंटी मैं लेता हूँ। बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए ना, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? आप देखते होंगे कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आपको उसके कोई कार मान लीजिए, कोई कार कोई गाड़ी खिलौना लिया के दे दिए तो बच्चा क्या है, खेल के उसको तोड़ देता है, उसको अलग अलग करके देखता है ना। आप अपने जीवन में देखे होंगे, अपने घर पे देखे होंगे छोटे बच्चे में, तो क्या वह क्या दर्शाता है ये आपको सोचना चाहिए कि मेरा छोटा बच्चा अलग अलग कर देता है तो सोचना चाहिए क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पर निर्भरता, ऑप्शन बी स्वप्रेम की भावना, ऑप्शन सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, और ऑप्शन डी दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिज्ञासा प्रवृत्ति हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जिज्ञासा, उसमें क्या है कि गाड़ी कैसी चलती है, उसके दिमाग में ये चलता रहता है, जिज्ञासा उदाती रहती है कि कैसे चल रहा है, सो तोड़ के अलग कर देता है और उसको अलग अलग करके देखता है। आप देखे होंगे अपने घर के बच्चों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टॉप 30 है दोस्तों, आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। प्रश्न रहा तीसरा कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, और ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो किस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था कितनी आयु तक होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वह आपका 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। आपसे कहीं या इसे भी मिल जाता है 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवा पूछ दे तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, या 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आप पूछ दे किशोरावस्था तो दोस्तों 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, या 12 आपको मिलेगा कहीं कहीं दोस्तों, ऐसे भी मिल जाएगा 12, 13 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। अब प्रौढ़ावस्था की भी बात की जाए दोस्तों तो 18-19 के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप नोट कर लेना दोस्तों क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चौथा रहा कि प्रतिबिंब कमा अवधारणा कमा प्रतीक एवं संकेत भाषा कमा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किस में अंतर्निहित है दोस्तों? ऑप्शन ए अनुकूलन में, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास में, ऑप्शन सी समस्या समाधान में, और ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया में। तो किस में है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। करती है किसने कहा था दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन बी रास ने, ऑप्शन सी एनास्टीसी ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रास ने कहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले प्यार साथियों आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं कौन है? ऑप्शन ए लेवेल्टर, ऑप्शन बी फ्रांसिसी गाल्टन, ऑप्शन सी
विलियम स्टर्न और ऑप्शन डी अल्फ्रेड बीने। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए अल्फ्रेड बीने, आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा केवल आपको क्वेश्चन लिखने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, चार ऑप्शन आप मत लिखना दोस्तों, ठीक है? जो आंसर हो वही आप अपने नोट करना और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना दोस्तों, सिलेक्शन आपका होगा 100% होगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है किसने कहा था, तो दोस्तों यह कथन किसका है, किस लिए? ऑप्शन ए मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन सी ध्यान का विकास, ऑप्शन डी भाषा विकास के लिए। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो किस विकास के लिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकास से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, गलत नहीं करना है। जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, इस बार उनका सिलेक्शन होके रहेगा। चल अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का, और ऑप्शन डी मानसिक विकास का। तो दोस्तों ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आठवां का दोस्तों, संवेगात्मक विकास का, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है? अगला पल अगला चले प्यारे दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। एग्जाम में दोस्तों अच्छे से पढ़ लिए ना, धुआं धुआं करके आएंगे। चलिए नौवां प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कही जा रही है दोस्तों, क्योंकि तीन सही होगा, एक ही कथन आपको गलत होगा। अगर पढ़ लिए अच्छे से ना, तो ये तो क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विकास पूर्वानुमेयन होता है, ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास रेखीय होता है, और ऑप्शन डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विकास रेखीय होता है, तो दोस्तों नहीं होता है, विकास रेखीय नहीं होता, ये ऑप्शन आपका सरासर गलत है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ही आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विकास पूर्वानुमेयन भी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, कोई स्थिर रहने वाली नहीं है। तो इस ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, विकास रेखीय होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों, कि तर्क का जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है दोस्तों? तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस वर्ष में होता है? ऑप्शन ए 7 वर्ष में, ऑप्शन बी 11 वर्ष में, ऑप्शन सी 9 वर्ष में, और ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो दोस्तों यह 11 वर्ष में होता है, किस वर्ष में होता है? 11 वर्ष में, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला चले प्यार साथियों, आइए जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न, गया हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र शारीरिक विकास का है? तो ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? तो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, एवं एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, ठीक है? अगला चले आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये 30 मैं फिर से बता देता हूँ, टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं बार बार वीडियो में नहीं कहता हूँ कि दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं, अच्छी लगी दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। वीडियो अंत तक देखिए, आप अच्छी लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा प्यारे साथियों, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न रहा कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो दोस्तों किस अवस्था में बढ़ जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, और ऑप्शन सी किशोरावस्था, और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों किस अवस्था में बालक में नई खोज
करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर, बाल्यावस्था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, अगला चले चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन ए समानता का, ऑप्शन बी भिन्नता का, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का और ऑप्शन डी अभिप्रणा का। तो दोस्तों किसका है, तो कौन वंशानुक्रम का निकाय नहीं की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब जान नहीं की बात की जाए उसे आप गोला कर लें, गांव की भाषा देसी भाषा में गोला कर लें या हाईलाइट कर लें। तो दोस्तों कौन सा नहीं हो जाएगा, तो अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। ठीक है, आपका समानता क्या हो जाएगा, वंशुक्रम का नियम हो जाएगा, निकाय हो जाएगा, भिन्नता भी हो जाएगा और प्रत्यागमन भी हो जाएगा, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हो जाती हैं या हो चुकती हैं, जो भी हो। तो ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 6 अथवा 7 वर्ष में, ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस अवस्था तक बालक की दृष्टि दृष्टि एवं इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं दोस्तों? तो 8 अथवा 9 वर्ष में यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। आइए आइए अगला प्रश्न, इस जितना पढ़ाएं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो कहिएगा, फिर आपको डिटेल्स में भी क्लास चलने वाली है, डिटेल्स में पढ़िएगा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न रहा 15वां, कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था दोस्तों कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो किसने कहा? ऑप्शन ए मुर्रे ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने और ऑप्शन डी जे बी वाटसन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15वां का दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ना एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना प्यारे साथियों, और एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन करके जाना, ठीक है ना? आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए जितने भी भाई बहन हैं सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 रहा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से उपयोग और तो किससे है? ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क और आत्मा से, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षा से, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और अधिगम से और ऑप्शन डी हो जाएगा शक्ति और गति से। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने में समझ नहीं आए दो बार तीन बार आप पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन को आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो गामक विकास का तात्पर्य दोस्तों किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति और गति से हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, कि किस अवस्था को मिथ्या या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? इस अवस्था को नहीं, या किस भी रहेगा दोस्तों, चाहे किस भी कर लें। ठीक है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने बताया ना कि बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 18 या 19 तक वर्ष से होती है, या 5 से 12 या 13 वर्ष तक दोस्तों। ठीक है, या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि बाल्यावस्था कब तक होती है, तो 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था दोस्तों ये मिथ्या का काल होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, जब भी पूछे कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी
कई कोश और ऑप्शन डी कोई कोश नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा केवल एक कोश, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है तो दोस्तों केवल एक कोश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन आप दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं है, गोला कर लो आप, हाईलाइट कर लो, कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना और ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो दोस्तों आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, मैंने कई बार इसकी चर्चा की है, क्योंकि जो बालक होता है दोस्तों शैशवावस्था को, उसकी उम्र क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो इस उम्र में दोस्तों बालक के शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में, वह दूसरे पर निर्भर होते हैं दोस्तों। ठीक है, और मानसिक विकास भी उनका तीव्र गति से होता है, उनमें नैतिकता का विकास कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ नहीं की बात की कही है दोस्तों, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा, नैतिकता का होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न था प्यार साथियों कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो आपकी दृष्टि में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइएगा। जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गलत मत कमेंट करना दोस्तों, सही कमेंट करना, और 30 में से कितना आपका सही हुआ है ये जरूर कमेंट करना मेरे दोस्तों। ठीक है, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं जरूर आप कमेंट करना कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगर आप अध्यापक हैं तो आप ये मत सोच रखिए कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नहीं दोस्तों गलत है, कुछ बच्चे नहीं सीख सकते हैं, आप अच्छे से सभी बच्चे सीख सकते हैं। क्या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, नहीं अधिकतर नहीं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। क्या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, नहीं सभी बच्चे सीख सकते हैं। आप अपने ये सोचिए तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अर्थात सभी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, एक शिक्षक की जो होती है मूल यही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की बात हो रही है दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था जो शैशवावस्था होती है, मैं बार बार चर्चा करते चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अवस्था भी बैठ जाए, कि जब भी पूछे कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है तो आपका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए कि जन्म से 5 वर्ष तक या 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्या समझ गए होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें चिंतन करने की प्रक्रिया तो होती नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं की बात की रही है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो शैशवावस्था का बालक है उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो तीव्र गति से वो उसका विकास होता है दोस्तों। वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति में रहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं दोस्तों, वो देख के सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा प्यारा साथियों कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य और ऑप्शन डी भूख। तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आश्चर्य से ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो किसने कहा था दोस्तों कि मनोविज्ञान विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कार्लसनिक ने, ऑप्शन बी पियाजे ने और ऑप्शन डी स्कीनर ने और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हरलाक ने। तो किसने कहा था दोस्तों विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो हरलाक महोदय ने कहे थे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों
कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों कोहलबर्ग भी किस विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन सी गामक विकास के लिए, और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों नैतिक विकास के लिए। तो कोहलबर्ग किस विकास के लिए जाने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। चलिए, बिग व हेट की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन की बात हो रही है दोस्तों। परिवर्तन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मानसिक होता है, किस अवस्था में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए शैशवावस्था में होता है, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में होता है, ऑप्शन सी किशोरावस्था में होता है, और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में होता है। भीरी भीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं ना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे, समझिए किससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में आपका क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछ दे किशोरावस्था कब तक होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, या आपको ऐसे भी मिल जाएगा 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ये सब याद रखना है आपको। मैंने बताया शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को, बाल्यावस्था बताया बताया ना कि 5 से 12 वर्ष की अवस्था को, या 5 6 से 12 या 13 वर्ष की अवस्था को, आपको सभी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी विकास की दर से भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी विकास क्रम में भिन्न होते हैं, और ऑप्शन डी विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ व्यक्तिगत शिक्षार्थी की बात हो रही है, विद्यार्थी की बात हो रही है कि एक दूसरे से भिन्न किस में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास की दर में भिन्न होते हैं, अर्थात बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों। चलिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, प्रतिवर्ती, क्योंकि यहाँ नहीं की बात हो रही दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्रतिवर्ती आपका सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही आपका डी सही हो जाएगा। अगर है पूछे दोस्तों तो निरंतरता भी है, अनुक्रमिकता भी है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी है, ये सब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन एकीकरण सिद्धांत से, ऑप्शन बी अंतः क्रिया का सिद्धांत से, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत से, और ऑप्शन डी निरंतरता के सिद्धांत है। तो दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आप जान सकते हैं कि निरंतर मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना, आपको अर्थ भी पता होना चाहिए कि निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ समाप्त न होने वाली प्रक्रिया दोस्तों, विकास कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। एग्जाम में ना एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो एग्जाम में तो सभी क्वेश्चन आप सही करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न रहा कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित किस पे है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि बालक का विकास का परिणाम है। तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, और ऑप्शन डी
आर्थिक कारकों का दोस्तों, तो बालक का विकास का परिणाम क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, सबसे पहले तो आपका 30 में से कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताना प्यार साथियों, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक करना दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और हाँ बेल आइकन को प्रेस न करना भूलना कि जब भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पता है दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सलेक्शन मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती है, बीच बीच में बार बार कहने की कोई ये बात नहीं है कि लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, नहीं, अच्छा लगे पहले वीडियो को आप अंत तक देखिए, अच्छा लगे तभी करिएगा, अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आप कहीं अच्छे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर देखेंगे तो कहेंगे वाह अच्छे क्वेश्चन कराए थे सर ने, तो दोस्तों आप आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तभी करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।